हाय, आई एम लियाकत अली, फाउंडर ऑफ नवाफिस। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ज़्यादातर जॉब सीकर्स का प्रॉब्लम है या इशू है, और वो है एटीट्यूड, या उसको माइंडसेट भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट जो है वो ये है कि रेज्यूमे जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और सिर्फ रेफरेंस होना ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि बावजूद इसके कि हम उन्हें बताते हैं कि ये 21 पॉइंट्स हैं जो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल दे डोंट बॉदर कि वो थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी एफर्ट करें और अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव करें। और उसकी ना करने की रीज़न क्या होती है कि उनका माइंड सेट होता है कि रेज्यूमे इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो माइंड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, वो ये कि दे नो कि रेफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस को इंक्रीज करने की या मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। मैंने कई जॉब सीकर सेशन जो हमारे यहाँ रेगुलरली होते रहते हैं, वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी, दुबई में भी और शारजा में भी और अबूधाबी में भी, तो उनसे अक्सर मैं पूछता हूँ कि आपको यहाँ आए हुए कितना अर्सा हो गया, तो वो कहते हैं महीना हो गया या 2 महीने हो गया, या इवन कुछ लोग जो सालों से यहाँ रह रहे हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपके 1 साल पहले या 1 महीने पहले कितने रेफरेंस थे, तो उनका जवाब होता है 2 या 3 या 5 या 10। बट उन्होंने उसको मल्टीप्लाई कितना किया है, क्या उन्होंने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, क्या उसको वो डेली बेसिस पे अपने रेफरेंसेस को इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं, तो उनका जवाब मोस्टली नहीं होता है। तो ये भी एक एटीट्यूड इशू है कि आपको पता है कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप करते नहीं हैं। अब हम तो ये आपको सिर्फ बता सकते हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, लेकिन हम आपकी तरफ से आके कर नहीं सकते, तो ये करने के आपके काम है, हमें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई जो हम कह रहे हैं वो सही बात है, तो प्लीज़ उस पर फिर अमल भी करें, या सिंपली आप शॉर्टकट के रास्ते ढूंढने के चक्कर में ला रहे हैं कि बस मुझे कहीं एडजस्ट करवा दें, मुझे कहीं लगवा दें। क्योंकि होता ये है कि अगर कहीं पे आपकी तुक्के से जॉब लग भी जाए, तो मार्केट सिचुएशन ऐसी होती है कि साल बाद, 2 साल बाद जब आप दोबारा जॉब तलाश करने के निकलते हैं, तो आपकी जो अपनी जॉब हंट स्किल है वो डेवलप नहीं हो चुकी होती। तो हमारा जो नवाफिस का बेसिक फोकस है या हमारा जो बेसिक मिशन है, वो आपको जॉब दिलाना नहीं है, बल्कि आपकी जॉब हंट स्किल को इम्प्रूव करना है, ताकि आपको जब भी जॉब की ज़रूरत हो, जब भी आप जॉब हंट फेज़ में आएँ, जब भी जॉब सीकर के तौर पे आप मार्केट में आएँ, तो आपको सारे टूल्स पता हों, आप वेल इक्विप्ड हों उनसे और उनको यूज़ करना जानते हों। और ये तभी मुमकिन है जब आप इन चीज़ों को अपने एटीट्यूड में और अपनी माइंड सेट में और अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको बेस बनाएंगे और ट्यून रहेंगे उन चीज़ों से जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। दैट्स माई मैसेज, होप यू गॉट द आइडिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क।